इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर के दौरे पर पहुंचे। सीएम भरतपुर में करीब 750 करोड़ की लागत से कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। साथ ही सरकार के 4 साल पूरे होने पर सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही छात्राओं को स्कूटी भी बांटी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह के साथ लोकसभा में बैठने का मौका मिला है। चौधरी चरण सिंह के बारे में बचपन से ही सुना था, पढ़ा था। वो 36 कौम के नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के दिल पर राज करते थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर में हर तरह का विकास हो रहा है। सीवरेज सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज इत्यादि बने हैं। हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया है, जो पहली सरकार हमारी जिसने घोषणा करी थी, अब किसानों का अलग बजट पेश करेगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस बीच आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में देर रात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।